बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वारफिन और वाइटामिन के बारे में पढ़ेंगे कि वाइटामिन के और वारफिन का क्या रोल होता है। वारफिन तो एक ड्रग है और वाइटामिन के आपको जारन पता चल रहा है कि ये क्या है वाइटामिन। अब दो तरह के वाइटामिन होते हैं, एक होते हैं एक होते फैट सॉल्युबल और एक होते वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल चार होते हैं, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो आपको पता है सी और बी, ये इस तरह के होते हैं जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। लेकिन आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, विटामिन के बारे में, जो क्या है फैट सॉल्युबल विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन के। अब विटामिन के फैट सॉल्युबल विटामिन है और इसके साथ साथ जो विटामिन के है ये एक्ट एज ए कोएंजाइम करता है, कोएंजाइम के तौर पर ये एक्ट करता है और इसके साथ साथ ये एक चिलेट भी है। ये क्या है, ये एक चिलेट भी है और इसके साथ साथ ये, और इसकी कितनी मकदार एक मेल को चाहिए होती है और कितनी मकदार फीमेल को चाहिए होती है। एक और उसके लिए ये मैंने आपके सामने ये लीवर बनाया है और इसके लीवर के हेपेटोसाइट में ये सारा मैकेनिज्म हो रहा है और आपको पता होना चाहिए, यानी मैकेनिज्म पढ़ने से पहले विटामिन के असल में क्या है, ये कोगुलेशन जो प्रोसेस है, यानी विटामिन ए क्या है, कोगुलेंट एजेंट है। कोगुलेंट एजेंट का मतलब क्या है कि ये कोगुलेशन प्रोसेस में मदद करता है, कोगुलेशन करवाता है असल में, सही हो गया, हेल्प करता है कोगुलेशन प्रोसेस में। वो किस तरह हेल्प करता है वही हम इसमें पढ़ेंगे। अब विटामिन ये आपके सामने है, आपके सामने लीवर और ये किस तरह लीवर में काम करता है, इसमें ये आपके पास, मैंने ये आपके पास एक क्लोटिंग फैक्टर बनाया है। ये क्या है, क्लोटिंग फैक्टर, और इसके इस तरफ भी अमाइनो एसिड है और इस तरफ भी अमाइनो एसिड है, लेकिन ये वाला जो अमाइनो एसिड है इसको ये क्या है, ग्लूटामिक एसिड के जो ये आपके पास अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन है। अब ग्लूटामिक रेजिड्यू के गामा कार्बन पर सिर्फ एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, अगर इसके ऊपर एक कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा तो कोगुलेशन जो प्रोसेस है वो प्रोसीड नहीं हो सकेगा इतना ज़्यादा। अब इसकी कार्बोक्सिलेशन करने के लिए, इस क्लोटिंग फैक्टर की डबल कार्बोक्सिलेशन करने के लिए ग्लूटामिक एसिड के ऊपर, यानी ग्लूटामिक रेजिड्यू के ऊपर हमको विटामिन के की ज़रूरत होती है। अब विटामिन के की ज़रूरत क्यों होती है यही हम पढ़ेंगे। अब एक एंजाइम इस्तेमाल, यहाँ एक एंजाइम है जिसका नाम है गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, इस फॉर्म को कोगुलेटिंग फैक्टर की इस फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है इस फॉर्म में। अब ये गामा कार्बन है ग्लूटामिक एसिड का, उसके ऊपर दो कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हो गए। अब ये जो गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, ये एंजाइम विटामिन के जरिए क्या होता है, इस ये रेगुलेट करता है इस एंजाइम को, विटामिन के इस एंजाइम को रेगुलेट करता है और वो विटामिन के की वो फॉर्म जो इसको रेगुलेट करती है उसको कहते हैं हाइड्रोक्विनोन। ये हाइड्रोक्विनोन विटामिन के की वो फॉर्म है जो इस एंजाइम को रेगुलेट करती है और इसकी रेगुलेशन की वजह से ये इस क्लोटिंग फैक्टर को इस क्लोटिंग फैक्टर में कन्वर्ट कर देता है जो असल में
जो असल में कोगुलेशन प्रोसेस में इस्तेमाल होता है, ये वाला कोगुलेटिंग फैक्टर। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि वाइटामिन के जो है वो प्रोड्यूस करता है कोगुलेटिंग फैक्टर, लेकिन वाइटामिन के कोगुलेटिंग फैक्टर प्रोड्यूस नहीं करता, प्रोड्यूस असल में हो चुके होते हैं लीवर में, लेकिन वो उनको वेल फॉर्म में लाने के लिए, उनको एक वर्केबल फॉर्म में लाने के लिए हमें वाइटामिन के की जरूरत होती है। कुछ समय तक वाइटामिन के नहीं होगा तो कोगुलेटिंग फैक्टर प्रोड्यूस नहीं होंगे। कोगुलेटिंग फैक्टर प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन असल में वो अपनी उस फॉर्म में नहीं आते कि वो कोगुलेशन करवा सकें। अब ये वाला जो आपके पास ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू है, वो कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू में चेंज हो गया है। जब गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड में रेजिड्यू चेंज हो जाता है, तो ये वाला कोगुलेटिंग फैक्टर आगे कोगुलेशन में मदद करता है। अब जैसे ही वाइटामिन के ये वाली फॉर्म इसको रेगुलेट करती है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है वाइटामिन के एपोक्साइड में। वाइटामिन के एपोक्साइड में जब चेंज हो जाती है, तो यही फॉर्म वाइटामिन के एपोक्साइड में से दोबारा कन्वर्ट हो जाती है वाइटामिन के हाइड्रोक्विनोन में। अब जैसे ये इसमें कन्वर्ट होती है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, और इस एंजाइम को कहते हैं वाइटामिन के एपोक्साइड एंजाइम। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए इस एंजाइम की जरूरत होती है, तो इस एंजाइम को एक ड्रग इनेबल कर देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वारफारिन। अब वारफारिन जब इस एंजाइम को इनेबल कर देगी तो क्या होगा, जब इसको इनेबल करेगी तो इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी इसकी कमी हो जाएगी इस वाइटामिन के की, तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और इसकी कम, तो ये वाला एंजाइम रेगुलेट नहीं होगा। जब ये वाला एंजाइम रेगुलेट नहीं होगा, तो कोगुलेटिंग फैक्टर अपनी वेल फॉर्म वर्केबल फॉर्म में नहीं जाएगा। जब कोगुलेटिंग फैक्टर वर्केबल फॉर्म में नहीं जाएगा, तो कोगुलेशन प्रोसेस नहीं होगा। जब कोगुलेशन प्रोसेस नहीं होगा, तो ब्लड जमने का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसी तरह ये वारफरीन के साथ साथ एक और एंटीबायोटिक होती है, जिसका नाम है सेफलोस्पोरिन। सेफलोस्पोरिन भी इस एंजाइम को इनहिबिट करती है, जो वाइटामिन के एपोक्साइड को वाइटामिन के में कन्वर्ट करती है, और ये वाला एंजाइम, इसका नाम है वाइटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज, यानी वाइटामिन जो वारफरीन है, ये क्या करती है, ये आपके वाइटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को क्या कर देती है, इनेबल। जैसे इसको इनेबल करेगी, तो ये फॉर्म नहीं बनेगी, और ये फॉर्म नहीं होगी तो रेगुलेट एंजाइम नहीं होगा। अब यानी ये दोनों वारफरीन और वाइटामिन के एक दूसरे के क्या है, एंटागोनिस्ट हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। अब होता क्या है, असल में जो वारफरीन होती है, ये एनालॉग होती है वाइटामिन के की एनालॉग फॉर्म होती है, और वाइटामिन के एपोक्साइड की ये एनालॉग फॉर्म होती है, और ये उसको गलती से क्या कर लेता है, अटैच हो जाता है इसके साथ। ये आपके पास मैंने इसका मैकेनिज्म बयान किया, और इसके बाद हम फर्दर पढ़ेंगे कि वाइटामिन के की टॉक्सिसिटी क्या होगी, ये हम इसके साथ ही पढ़ लेते हैं। अब अगर बच्चों में ज्यादा होता है कि न्यू बॉर्न जो बेबी होते हैं, उनके क्योंकि स्मॉल लार्जेस्ट साइज में बैक्टीरिया मौजूद नहीं होते, लार्जेस्ट साइज में हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या करते हैं, वाइटामिन के बनाते हैं। अब जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उनमें वो वाइटामिन के नहीं बनता, तो हम क्या करते हैं, बाहर से देते हैं ओरली उनको वाइटामिन के देते हैं। अब
जब हम विटामिन के देते हैं तो ये फुलफिल करता है उसकी जरूरियात को, क्योंकि अगर हम कहें कि हम ना भी दें, लेकिन हम अगर ह्यूमन मिल्क जो है, ह्यूमन मिल्क असल में 1/5 रिक्वायरमेंट पूरी करता है एक दिन में, इतनी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, और जो 4 बच जाती है उसको पूरी करने के लिए हमें ओरली विटामिन के को देना पड़ता है। ये इसका था, पर इसके साथ साथ अगर इसकी विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये आपकी बोन पर इफेक्ट कर सकता है, बोन इससे डैमेज हो जाएंगी अगर इसकी कमी होगी। तो इसके साथ साथ थ्रोम्बिन एनीमिया भी हो सकता है इसके साथ साथ। ये क्या है, प्रोथ्रोम्बिन आपको पता है कि एक कोगुलेटिंग फैक्टर होता है, अब उसको कन्वर्ट किया जाता है थ्रोम्बिन में, और जब ये एक्टिवेट नहीं होगा, विटामिन के हमारे पास नहीं होगा, तो ये अपनी थ्रोम्बिन फॉर्म में नहीं आएगी प्रोथ्रोम्बिन, तो इससे क्या हो जाएगा, अब प्रोथ्रोम्बिन नहीं आएगा तो फिर इससे क्या हो जाएगा, आपके पास हाइपोप्रोथ्रोम्बिन एनीमिया हो जाएगा। और अगर इसकी बहुत ज़्यादा आप कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो इस वो आपके हिमोलिटिक एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। सो विटामिन के जो है वो असल में क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10 की कार्बोक्सिलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये इनकी कार्बोक्सिलेशन जब होगी तभी एक दूसरे के साथ अटैच होंगी। इन्हें सपोज कर लें, ये आपके पास कोगुलेटिंग फैक्टर 2 है और ये आपके पास कोगुलेटिंग फैक्टर 7 है। अब ये दोनों किस तरह एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, ये इनकी कार्बोक्सिलेशन है, इनकी कार्बोक्सिलेशन हुई, ये इसके एक साइड पर इधर का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरी साइड पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये कैल्शियम आयन इन दोनों के साथ अटैच है, और ये जो कोगुलेटिंग फैक्टर है वो अटैच है प्लेटलेट की मेम्ब्रेन के साथ, ये प्लेटलेट की मेम्ब्रेन के साथ अटैच है ये वाला फैक्टर। आप अगर सपोज करेंगे ये विटामिन के नहीं है आपके पास, तो आप किस तरह, विटामिन के नहीं होगा तो कार्बोक्सिलेशन नहीं होगी, एक इधर मौजूद नहीं होगा, अगर ये इधर मौजूद नहीं है तो सिर्फ दूसरा फैक्टर ये अटैच होगा प्लेटलेट की मेम्ब्रेन के साथ, और ये आगे प्रोसेस यानी प्रोसेस आगे नहीं चलेगा। जब एक कार्बोक्सिलेशन ग्रुप यहाँ नहीं होगा तो कैल्शियम आयन इसके साथ अटैच नहीं हो सकेगा। इस वजह से क्या होगा, आपकी यानी 10-40% नॉर्मल सिर्फ कोगुलेशन हो सकेगी, और बाकी 10% या 40% कोगुलेशन प्रोसेस होता है अगर विटामिन के मौजूद ना हो। यानी वारफेरिन अगर आप देंगे तो उसकी वजह से, जब वारफेरिन आप देंगे तो इतना प्रोसेस कम हो जाएगा, नॉर्मल प्रोसेस 10 या 40 तक रह जाएगा। अब ये किस तरह चिलेट और पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन ऑफ मेम्ब्रेन के तौर पर इस्तेमाल होता है वो आपके सामने, कि चिलेट क्या होता है कि जो दोनों के दरमियान एक है, दोनों आइंस दो एक आइंस को दो चीज़ों के साथ जोड़ते, ये दोनों क्या होंगे इधर, ये इसके एज ए चिलेट इस्तेमाल होंगे ये दोनों, ये क्या कार्बोक्सिल ग्रुप। और कोएंजाइम के तौर पर किस तरह इस्तेमाल होते हैं, कोएंजाइम के तौर पर कोएंजाइम यानी ये वाला विटामिन के इस एंजाइम को रेगुलेट करता है, और जो दूसरे एंजाइम को वैसा सब्सटेंस जो दूसरे एंजाइम को रेगुलेट करे उसको क्या कहते हैं, कोएंजाइम। अब इसके साथ साथ ये विटामिन के डिफरेंट विटामिन ए, विटामिन 1
vitamin K1 and K1, K2 और K3 की फॉर्म में होता है. vitamin K होता है प्लांट में और उसका नाम है फाइलो क्यूनोन. फाइलो क्यूनोन और जो इसमें है आपके पास माइक्रोफ्लोरा में, फ्लोरा में यानी जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में उस, वो है मैना क्यूनो, मैना क्यूनो. और विटामिन के थ्री है आपके पास, ये सिंथेटिक फॉर्म है और ये है मैना डाइओ. सो ये सारे का सारा किसके लिए था, विटामिन के बारे में. यानी विटामिन के क्या करता है, कोगुलेशन प्रोसेस को, कोगुलेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, यानी खून को जमने में मदद देता है. और किस तरह देता है ये सारे का सारा हमने पढ़ा है कि विटामिन के हाइड्रोक्विनोन फॉर्म से विटामिन के एपोक्साइड में चेंज हो जाता है और फिर यही इसमें चेंज हो जाता है, उस रिवर्स होकर इसमें दोबारा चेंज हो जाता है. वो कौन सा एंजाइम करता है, यहाँ विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम होता है, इसको वारफिन जो होती है वो इनहिबिट करती है, साइक्लोस्पोरिन इसको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ये फॉर्म नहीं बनती और ये इसको रेगुलेट नहीं कर पाती, कोगुलेटिंग फैक्टर नहीं बनते हैं. तो कोगुलेटिंग फैक्टर नहीं बनेगी तो कोगुलेशन का प्रोसेस भी नहीं होगा. तो ये सारे का सारा इसके लिए था विटामिन के बारे में.